त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम दौर पर नजर आ रही है। शासन ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले के देपालपुर हातो तहसील में 13 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर ग्रामीण दावे आपत्ति लगाने के लिए जनपद पंचायत देपालपुर एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के नाम ज्ञापन बनाकर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। इसके चलते देपालपुर तहसील के ग्राम गेहूखेड़ी के ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई कि उन्हें ग्राम पंचायत अटाहेड़ा में यथास्थिति रहने दिया जाए। इस प्रकार ग्राम पेमलपुर के ग्रामीण ने ग्राम पंचायत छोटी कलमेर से हटाकर शाहवदा व पेमलपुर गांव को ग्राम पंचायत आकोदा कोर्ट में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया है। ग्रामीणों की मांग है कि शाहवदा व पेमलपुर मिलाकर नई पंचायत पेमलपुर को नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। इस पर हमारी आपत्ति है। क्षेत्रीय एसडीएम राधेश्याम मंडलोई का कहना है, देपालपुर तहसील में 13 नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाना है। इस संबंध में ग्रामीणों की दावे आपत्ति के लिए 8 तारीख तक निर्धारित की है। 10 तारीख को उनके द्वारा लगाई गई दावे आपत्तियों का निराकरण करना है। कि अभी जनपद पंचायतों के चुनाव आने भविष्य में होने वाले हैं, उनके संबंध में परिसमन की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई है। तो हमारे द्वारा जो 13 इस देपालपुर जनपद में 13 नई पंचायतों का गठन हुआ है, उसी के संदर्भ में द्वारा एक आपत्ति पेश की गई, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसकी आपत्तियाँ 8 तारीख तक ली जाएगी, 10 तारीख तक हम निराकरण करेंगे। तो उसी तारतम्य में इन लोगों ने दी है, इनका निराकरण भी हम 8 तारीख तक। आज माननीय सीओ मैडम को जो ज्ञापन देने आए थे वो था परिसीमन, पंचायत का परिसीमन। अभी आज जो मौजूदा हालत में हम ग्राम अटहेड़ा में जुड़े हुए हैं और हमारा ये कहना पड़ रहा है कि आपत्ति है कि हम अटहेड़ा में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अटहेड़ा में हमें मूलभूत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और वहाँ पर बैंक, स्वास्थ्य विभाग, दवाखाना होते हुए स्कूल, सारी सुविधाएं मिल रही हैं और वहाँ घर की जो हमारी दूरी है वो भी कम है, रोड से जुड़ा हुआ है और जो दूसरे गांव से जोड़ने, जो नए गांव में पंचायत निर्माण करवाने जो परिसीमन द्वारा करवाए गए 9 गांव सर्फ में, वह है दूरी भी ज्यादा है। शासन से प्राप्त त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के पहले परिसीमन की कार्रवाई की जानी थी, जिसके तहत जिला जनपद पंचायत देपालपुर की कुछ पंचायतों में परिसीमन की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत अटाहेड़ा और का गेहूखेड़े ग्राम और शाहपुरा का नौगावा सर्फ मिलाकर के एक पंचायत नई गठित होना है। उसको लेकर के ग्रामवासी नहीं चाह रहे हैं कि उसको नई पंचायत डेवलप करें, गेहूखेड़े के लोग अटाहेड़ा में ही रहना चाह रहे थे। सेम स्थिति ग्राम पंचायत छोटी कलमेर की, पेमलपुर पंचायत गांव और शावदा गांव की भी लोगों ने आपत्ति ली है, आपत्ति हमने ले ली है और शासन ने 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपत्ति का निराकरण करने की समय सीमा दी है। समय सीमा के अनुसार इनका निराकरण आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसार फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी।